सार्वजनिक साहित्य का सबसे बड़ा प्रकाशक है और जिस प्रकाशक ने बाबा साहेब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ को एक डीलेक्स काफ़ी बड़ा जो ग्रंथ माना जाता है उसके रूप में निकाला है, जिसका वेट 4.5 किलो है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सम्यक प्रकाशन में, जिसमें शहीद सम्राट माता दीन, वीरांगना झलकारी बाई, संत गाड़गे बाबा, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु रविदास, संत साहेब कबीर, महान सम्राट अशोक और तथागत सम्यक संबुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, मान्यवर साहब कांशीराम से लेकर मैं दिल्ली बुक फेयर में आ पाए हैं। कैसा लगा आकर? बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारी किताबें ले ली हैं। सोनीपत हरियाणा जी, बुक फेयर में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे, बहुत ही अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग फीलिंग होती है। हमारा जो सम्यक प्रकाशक का स्टॉल है, ये प्रकाशक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बुद्ध और उनसे जितने भी हमारे रिलेटिव है उनसे सभी से जो वचन हैं, उनके बोल हैं, उन सबको प्रकाशित करके सम्यक प्रकाशन यहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ आपको बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारा आपको जो बहुजन समाज में इतिहास है उसकी जानकारी यहाँ आपको मिलेगी। बहुत बहुत साधुवाद आप। धन्यवाद। और साथियों, हमारे साथ हैं सम्यक प्रकाशन के जो ऑनर हैं, माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी, और आज उसको संभाल रहे उनके तीनों सुपुत्र यहाँ हैं। आइए पूछते हैं उनसे सम्यक प्रकाशन के बारे में कुछ रोचक बातें। संदीप जी, आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। संदीप जी, अभी तक हमारे बहुजन साहित्य में बाबा साहेब द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म एक छोटे पॉकेट से लेकर और जो सम्यक प्रकाशन ने निकाला है टीलेक्स बुद्ध और उनका धम्म, उसका वेट कितना है? उसका वेट 4 किलो है, जो भगवान का धम्म जो डिलक्स एडिशन निकला है वो, और वो उसके बाद एक धम्मपद निकला है वो 5 किलो है उसका वजन। वो आपको मैं दिखाना भी चाहता हूँ। मैं मनोज जनतानी जी से कहूँगा कि वो उधर दिखाएं। अच्छा, और प्रकाशक, और हमारा जो प्रकाशक है इसमें हमारे सभी महापुरुष ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे हम किसी अपने उस काल में आ गए हैं कि हमारे सारे महापुरुष बैठे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पुस्तकें चारों तरफ लगी दिखाई दे रही हैं। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये खोज कहाँ से हुई? वैसे तो जो प्रकाशक हैं आपके पिताजी बौद्ध जी वो यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन आज आपसे मुखातिब हो रहे हैं तो आपसे पूछना चाहेंगे कि वो डीलेक्स जो बनाई उसकी दिमाग में थॉट कहाँ से आया, कैसे आया कि हम भी कोई इतना बड़ा प्रकाशक बनाएं, और आगे की क्या योजनाएं? क्योंकि उस जो धम्मपद का जो थॉट जो आया है रामचरितमानस के आया है, क्योंकि पहले जो देखा होगा धम्मपद धम्मपद नहीं लगता था, हमारा एक ग्रंथ ग्रंथ के रूप में होना चाहिए था, तो हमारी एक सोच थी जो ग्रंथ होना चाहिए, भव्य होना चाहिए ग्रंथ, तो उसको एक भव्य आकार दिया हमने, ये जो समाज में जाए तो समाज हमारा गर्व करे, हमारा ग्रंथ वाकई में भव्य ग्रंथ है। ये देख रहे हैं धम्मपद सत्य का खजाना डीलेक्स पुस्तक, जिसे देखकर आप कहेंगे कि दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का ये वो ग्रंथ है कि आइंस्टीन के अलावा और कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि अगर विश्व में कोई पुस्तक पढ़ने लायक है तो वो है धम्मपद। अगर कोई अपना अच्छा जीवन यापन करना चाहता है, अपने जीवन को और अच्छा उच्च ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है, तो उसको सिर्फ एक ही पुस्तक पढ़नी है, धम्मपद। धम्मपद भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, 423 गाथाएं, उनकी ये पुस्तक है धम्मपद। संदीप जी, एक बात और पूछना चाहूँगा कि आज जो बुक हैं हमने देखा है कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो अभी तक धम्मपद और बुद्ध और उनका धम्म कितनी सीरीज आपके पास है, मतलब उनका साइज के हिसाब से कितनी सीरीज हैं? हमारे पास 5 सीरीज है। हमारे पास धम्मपद 2500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का है, जिसमें 150 रुपये का भी है, 60 रुपये का भी है, 200 रुपये का भी, और ये 5000 का भी है। ये आप देख रहे हैं जैसे 31 दिन में पाली, पाली परिचय, पाली हिंदी कोश, बुद्धं शरणं गच्छामि, बौद्ध धर्म में अनात्मवाद, धर्म के नाम पर स्वतंत्रता चिंतन, विशेष कौन या कैसे, पुराणों में बुद्ध, और सुखी गृहस्थी के लिए बुद्ध का उपदेश, बहुत सारे हमारे
जितने भी लेखक हैं, जितने भी चिंतक हैं, जितने भी दलित विद्वान हैं, उन सभी की वाणी कागज में पन्नों पर सजो कर लाए हैं सम्यक प्रकाशन। और इधर आप देख रहे हैं राजनीतिक कुछ माया जैसा कोई नहीं, सतनाम सिंह जी का एक संग्रह। और बहुत सारे हमारे ऊपर देख रहे हैं बहुजन नायक काशीराम, आरक्षण विरोधियों की योग्यता, बहुजन समाज पार्टी बनाम भारतीय मीडिया, जाति जाट जाति प्रच्छन्न बौद्ध है, और अन्य बहुत सारी पुस्तकें। प्रकाशन सम्यक प्रकाशन की ये देन। हमारे साथ हैं दलित साहित्य मंच के कवि राष्ट्र राहुल नागपा जी। राहुल नागपा जी, आपने भी कुछ दो पुस्तकें खरीदी हैं, तो जो पुस्तकें खरीदी हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। मैंने सम्यक प्रकाशन से एक तो पूना पैक्ट और एक हिंदू कोडविल दो बुक खरीदी हैं, और एक मैं नास्तिक क्यों शहीद ऊधम सिंह का, बाकी कुछ बुक्स बाहर से खरीदी हैं राहत इंदौरी वगैरह की, हिंदी उर्दू शब्दकोश। बहुत अच्छा लगा बुक फेयर में आकर के। और ये सम्यक प्रकाशन हमारे अपने समाज का प्रकाशन है, ये हमारे लिए, मैं सम्यक प्रकाशन के चेयरमैन श्रद्धे शांति स्वरूप बौद्ध जी को दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि उन्हें यहाँ पर हमें हमारे समाज का इतिहास, हमारे समाज का साहित्य मिलता है। जय भीम नमो। देखिए, आपको मालूम है कि सम्यक प्रकाशन जब भी आएगा तो नया लाएगा, तो इसी तरीके से हम अब तक का बाबा साहब का जो अब तक का सबसे सुंदर कैलेंडर है हमारे अम्बेडकरी मूवमेंट में, वो हम लेकर आए हैं। हम नोटबुक लेकर आए हैं और एक जय भीम डायरी लेकर आए हैं, कार शेड लेकर आए हैं जो कार के अंदर लगाने वाले हैं, और एक बाबा साहब का बहुत ही सुंदर कीरिंग लेकर आए हैं जो कि हमने ताइवान से, जिसने आते के साथ धूम मचा दी है सोशल मीडिया पर भी, और इस पुस्तक मेले में हर कोई इसको पसंद कर रहा है। बाबा साहब के 12 फोटोग्राफ्स का हमने ये निकाला है फोल्डर। इस तरीके से हमारा ये है, और ये हमारे अम्बेडकरी मूवमेंट का अब तक का सबसे सुंदर कैलेंडर जो है बाबा साहब का, जो कि इस मेले के अंदर काफ़ी चर्चा का विषय है और सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं, यहाँ तक कि जनरल लोगों को भी ये बहुत पसंद आ रहा है। जब और इसी तरीके से हमारी कोशिश है साल दर साल आप लोगों के लिए नया कुछ ना कुछ लाते रहेंगे और समाज का गौरव बढ़ाते रहेंगे। और समता चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ और बहुत बहुत साधुवाद, जो कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आपका चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और मिशन की राह में और बौद्ध में भारत के निर्माण में महती भूमिका निभाए। जय भीम नमो बुद्धस। साथियों, हमारे साथ थे सम्यक प्रकाशक के ओनर कपिल स्वरूप जी, जिन्होंने बताया कि हमारे अम्बेडकरी आंदोलन में सम्यक प्रकाशन कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो साथियों, ये थे हम सम्यक प्रकाशन पर, और हमारी मंगल कामना है कि हमारा ये प्रकाशन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, हमारे इतिहास की जो गहन जानकारियां हैं उनको लाकर, उनको प्रकाशित करके हमारे बहुजन समाज को, लोगों को कम से कम कीमत पर अच्छे से अच्छे कागज़ में, अच्छे से अच्छे पुस्तक के रूप में हम तक पहुँचाता रहे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। संदीप जी, आपको जय भीम नमो बुद्धाय।